तीन ऐसी चीजें बताएंगे मैं गाड़ी खरीद लो, सॉरी बोले सॉरी यार sorry मुझे किसी ने नीचे लिखा था यार ये पहली बारी दो जाहिल बैठ के ग्राउंड में। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम सुनील मैं जो पाक व्यूअर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड था आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ एस एन मौजूद हैं, एस एन भाई जो है इनको आपने पिछले दिनों मेरे साथ एक और रिव्यू में भी देखा था तो आज हमने इनको फिर पकड़ लिया। क्या एस एन आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सुनील भाई आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बताएं आज हम जिस गाड़ी का यूजर रिव्यू कर रहे हैं कौन सी गाड़ी है, इसका मेक मॉडल और वेरियंट क्या है? सुनील भाई दिस इज अ BMW 740 Li, ठीक है, 2018 मॉडल, 740 Li 2018 मॉडल, नॉट अ हाइब्रिड वन, सिंपल गैसोलीन, जी गैसोलीन 3.0 इनलाइन। अच्छा, इन्होंने भी मर्सिडीज की तरह कर दिया, क्योंकि पहले मर्सिडीज के मोनोग्राम होते थे 300 है तो 3000 होगी, 500 है तो 5000 होगी, अब सब चेंज हो गया। जी अब चेंज हो गया, 740 पहले 4000 होती थी, अब वो चेंज हो गई। जी जो ये G11 सीरीज है इसको G11 बोलते हैं, ये F के बाद आई है राइट? जी बिल्कुल सही है। तो ये बेसिकली 6th जनरेशन है, ठीक है, 7 सीरीज में BMW की, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ज्यादातर जो वेरियंट्स आए हैं वो इलेक्ट्रिक है, सही है, ठीक है जी, जो क्योंकि प्लग इन हाइब्रिड्स हैं वो ड्यूटी भी कम है उस पे, और चूंकि ये दीवान इंपोर्ट है चाहिए। तो इसमें यानी कि ये है कि ये दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कार्स जो कि गैसोलीन आई है 3.0, ठीक है, एंड इट्स अ 3.0 नेचुरली एस्पिरेटेड कि टर्बो है क्या? ट्विन टर्बो, ट्विन टर्बो, जी जी जी, 3 लीटर ट्विन टर्बो और 2018 मॉडल की, बिल्कुल सही है, सही है। अगर हम इसकी वैसे इसके अंदर जो लगे हुए गैजेट्स और इसके अंदर चीजें एक्सेसरीज की बात करें तो वही हम मैं भी बात आपसे कहता कि हमने अली अजमत जो भाई है उनकी गाड़ी का किया था, दैट्स प्लग इन हाइब्रिड, उसमें काफी ऑप्शन बहुत ज्यादा ऑप्शन थी, स्काई लाउंज और ये वो, बट इसमें थोड़ी ट्रिम डाउन ऑप्शन है राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसका मीटर बड़ा प्यारा है, वो हसीन इम्तिजाज है, एक क्लासिक एनालॉग और डिजिटल का बीच में, डिजिटल है बाहर एनालॉग है, डिजिटल है। और ये नीचे इसकी एक बैटरी टाइप बनी आ रही है, ऑन फर्स्ट साइट इट वुड मुझे ऐसा लगा था कि मैं हाइब्रिड गाड़ी में बैठा हूँ, इसकी क्या सेंस है? नहीं ये सिर्फ बता रहे जी आपको कि जिस तरह आप अपना एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, जी जी जी, अगर आप ज्यादा करेंगे तो वो आपको ऑरेंज जोन में ले जाएगा। BMW में होता था जो आपको लीडर बताते हैं कि आपकी फ्यूल कंजम्पशन कितनी है, दिस इज द डिजिटल फॉर्म ऑफ दैट, सही है। और लेफ्ट पे जाएं तो आपका फ्यूल गेज आ गई, राइट पे हीट है, देयर इज मतलब यहां भी कोई ज्यादा नई इतनी फ्लेयर नहीं डाली इन्होंने। इसमें एक इसके ऊपर भी आता है जो सारा ही आई मीन डिजिटल है, बिल्कुल, तो इसका फेसलिफ्ट जो है ना 2020 में, जी जी, उसमें वो पूरा डिजिटल अब आ गया, इन्होंने नए सारे डिजिटल ही आ रहे हैं। राइट साइड अगर हम देखें तो ये पार्किंग सेंसर के आ गया, बिल्कुल उस तरह भी कुछ भी कोई एक्शन नहीं है, पोस्ट स्टार्ट आ गया। अच्छा, इसमें इको आइडल मौजूद है, बिकॉज इको आइडल ऑफ का बटन जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। अच्छा, अगर हम इधर आ जाए तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आ गया, सीट के ऊपर भी मुझे नजर आ रहा है, तो उसका जी इसमें हीटेड सीट नहीं, हीटेड सीट नहीं है जी इसमें, नहीं है, वेंटिलेटेड नहीं है, ये फोर जोन है। हामन कार्डन का बाजा मुझे यहाँ नजर आ गया, हामन कार्डन करते हुए, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स नजर आ गए, जी सॉफ्ट क्लोजिंग और एम्बिएंट लाइटिंग है, मेमोरी सीट्स आ गई, जी इसमें लॉन्ग व्हील है इसलिए इसकी पीछे वाली जगह तो काफी ज्यादा है, जी बिल्कुल लॉन्ग व्हील बेस है ये, सही। अच्छा, ये इसका आई ड्राइव आ गया, यहाँ पे इसका ऑटो होल्ड आ गया, जी ये इसकी हाइट कंट्रोल का बटन है, पार्किंग सेंसर, ये इसके ड्राइविंग मोड्स आ गए, व्हिच इज इको प्रो कंफर्ट स्पोर्ट्स एडैप्टिव भी है, अच्छा वो ट्रैक्शन का बटन है, ट्रैक्शन आ गया, ये इसके सारा नेविगेट करने के लिए आ गया। इन्फोटेनमेंट, अच्छा इनके जो इन्फोटेनमेंट होता है ये मुझे ना बड़ा जर्मन गाड़ियों का ऐसा लगता है कि हमारी जो है ना आते हैं कोरियन चाइनीज ने खराब किए वो इतनी चीजें दे देते हैं कि जब आप जर्मन गाड़ी में बैठते हैं तो वो तकरीबन आज की चाइनीज या उससे ना तकरीबन 5 साल पीछे चल रही होती है, जी बिल्कुल ऐसे। आई एम श्योर ये 18 मॉडल तो उसमें वो नहीं होगा कहीं भी, नहीं है जी, कनेक्टिविटी जो है ना आपकी एंड्रॉइड ऑटो और ये वो नहीं होगी, लेकिन उन्होंने जो नई गाड़ियां आप कह रहे हैं उन्होंने सीखा तो इनसे ही है ना, बट इनके ये करते हैं टेक्नोलॉजी मास्टर करके फिर लाते हैं, वो फॉरन लेके आते हैं, हाँ वो फॉरन ले जाते हैं। अच्छा जी, इसके अंदर और अगर हम देखें जो ओवर स्मार्ट दादीमा फीचर्स होते हैं, रडार और ये वो है कि नहीं है? नहीं जी, इसमें रडार नॉर्मल क्रूज है, जी नॉर्मल क्रूज है। ये लगता है मेरे टाइप किसी बंदे ने गाड़ी जो है ना वो बनवाई थी कि इसमें कोई नो बकवास, सीधी बस सीधी सीधी ऑप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वही मैंने आपको बताया ना कि 425% है, सही है, गैसोलीन के ऊपर जो जहर 3 लीटर से ऊपर है तो उसकी फिर ड्यूटी बहुत बन जाती है। जी। अच्छा, वैसे BMW ने में अगर हम देखा जाए तो अभी आप कह रहे हैं 6th जनरेशन है राइट? 6th जनरेशन, इससे पहले 5th जनरेशन F थी, उससे पहले जो 4th जनरेशन थी, 4th से लेके अब तक अगर आम आदमी जा रहा हो तो मेरा ख्याल है आम आदमी को इतना खास फर्क नहीं पता लगता कि बहुत कुछ ज्यादा चेंज किया है, उसी को थोड़ा थोड़ा एडवांस करके थोड़ा कर्व बढ़ जाते हैं। इंटीरियर ऑप्शन भी अगर आज देखी जाए तो F सीरीज में भी सारी ऑप्शन आती है, बिल्कुल। सो इन्होंने ऐसा नहीं कोई किया कि कोई जिसे कहते हैं ना क्लटर ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की, एटलीस्ट फॉर इन दिस वेरिएंट, बिल्कुल। ये है कि इसकी लाइट जरा बहुत प्रोनाउंस्ड हो गई है, थोड़ा एडवांस है। इन्होंने बेसिकली जो इससे पहले वाला जो था 2000 यानी ये तो फेसलिफ्ट हुआ है ना जी, तो जो पहले वाला था उस अब जो लाइट्स हैं वो ज्यादा स्लीक हैं,
चाहिए, ठीक है जी। और उसकी जो किडनी ग्रिल है वो लार्ज कर दी है, एनहांस्ड। अच्छा, 2018 की ये है 7, और हमें भी बात आपने की कि एस क्लास से बनेगा, तो एस क्लास 2018 में मेरा ख्याल है ज्यादातर इतनी आई नहीं, क्योंकि ज्यादा आई थी 14-15-16 में आई है, 18 में अगर आई है तो 560 ईज आई थी, आई है बिल्कुल जी। तो अगर हम प्राइस लिहाज से इसका कंपेरिजन करें तो किस प्राइस बजट में होगी गाड़ी ये? तकरीबन आप कह लें 43 मिलियन, 42 मिलियन के आसपास, which is cheaper than वो जो 560 आती है, क्योंकि वो हाइब्रिड है और महंगी है वो जरा। और थोड़ा सा आई थिंक BMW की रीसेल वैल्यू बेहतर होती है, सॉरी मर्सिडीज की बेहतर होती है, बिकॉज तो वो आप कह लें कि इस यानी 40 मिलियन के बजट में ना आपको 2014-15 की इस इतनी कम माइलेज के साथ गाड़ी मिलेगी जो ये सिर्फ 18,000 चली रही है ना, तो माइल्स विच इज अराउंड 26,000 किलोमीटर्स जी जी, तो इतनी माइलेज की एस क्लास बहुत महंगी है, तो आई थिंक थोड़ा सा प्राइस उसकी रीजन है कि पाकिस्तान में मर्सिडीज की एक्सेप्टेबिलिटी अभी भी मार्केट सेकंड हैंड मार्केट में वर्कशॉप्स में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी से बहुत बेहतर है, BMW को मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, नहीं है बिल्कुल। और लोगों का अक्सर दीवान के साथ भी एक्सपीरियंस ये है कि जब गाड़ी बुक कराते हैं तो वो गाड़ी बुक कराने के बाद डिलीवरी का जो प्रोसेस है वो कई सालों में बहुत इशूज आए हैं जी, अभी रिसेंटली तो i7 में बहुत इशूज आए हैं लोगों को। हाँ लेकिन सुना है बेहतर हो रही सूरत हाल। अच्छा, इनकी जो वारंटी होती है कितने साल की होगी? अभी आउट ऑफ वारंटी होगी राइट? ये आउट ऑफ वारंटी है जी, तो ये डीलरशिप पे जाती है सर्विस के लिए, तीन साल की देती है दीवान। सही है जी, इसको 3 साल से ज्यादा हो गए हैं तो छठा साल है, नहीं तो इसको डीलरशिप पे लेके जा रहे हैं कहीं और से ये पूरी वहीं दीवान से ही मेंटेन्ड है, अभी भी वहीं से होती है, वहीं से मेंटेन्ड है। व्हाट इज एन एवरेज ऑयल चेंज कॉस्ट? मैं सिर्फ ये देना चाह रहा हूं कि कंपेयर टू मर्सिडीज क्या इसकी 30,000 का ऑयल, 30,000 एट एवरी 10,000। हाँ जी, 3 रुपए किलोमीटर जी, 10,000 पे वो कहते हैं, बट आप मतलब कंसिडरिंग द यानी एनवायरनमेंट हमारा, जितना पहले करा लें 5-6-7 हजार पे करा लेना चाहिए, 10,000 और 6 मंथ व्हिचएवर कंफर्ट, बिकॉज ऑयल की एक लाइफ भी होती है। हमारे यहाँ लोगों को ये नहीं पता था, लोग सिर्फ माइलेज की नोटिस करते हैं, लेकिन ऑयल की जो विस्कोसिटी और उसकी जो अगर है ना, अगर आप उसको शेल्फ पे भी रख दें बहुत मैटर, 6 महीने से ज्यादा आप उसको ये नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, तो वो जरूरी है। बट 3 रुपए इज नॉट दैट हाई फॉर दिस कार, यानी इस तरह की प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियां अगर एस क्लास भी लें वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो इस गाड़ी का भी आई हैव सम फीलिंग कि ये 3 लीटर ट्विन टर्बो होने के बावजूद इट वुड गिव अ गुड फ्यूल एवरेज। सो एनी आइडिया कि इसकी क्लेम एवरेज क्या है, या जब आप चला रहे हैं तो क्या एवरेज देती है? जो कंपनी क्लेम करती है जी, दैट इज अराउंड 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर, ठीक है, तो वो आप 8 लीटर पर 100 किलोमीटर, तो 11 से ऊपर की एवरेज वो जो कंपनी क्लेम करती है। सही है, अब आप जाहिर है जिस तरह का फ्यूल डाल रहे हैं, आपने इसको मेंटेन कैसे किया हुआ है, ड्राइविंग हैबिट कैसी है, ब्रेक कितनी बारी लग रही है, बिल्कुल मारा मोटा कुछ नहीं, 8-9 तो कर लेती होगी जी, करती है, व्हिच इज नॉट बैड, नॉट बैड, बहुत अच्छा। अभी भी आप देखें ना, ये मतलब खड़ी रहती है, बहुत ज्यादा चलती नहीं है, तो 6.8 का आ रहा है मीटर के ऊपर, तो 8-9 ये आराम से करती है, 10 से ऊपर वैसे इसको करना चाहिए। इसके अंदर ऐसी कोई चीज जो आपको लगती हो कि यार इसके काउंटर पार्ट्स में थी, इसमें नहीं थी, या बहुत सारी चीजें हैं जी जो इस वेरिएंट में होनी चाहिए थी बट नहीं है? अच्छा, जैसे बट इसका आई मीन उन्होंने आई थिंक प्राइस पॉइंट भी तो लिहाज से होगा, प्राइस पॉइंट भी है, प्लस ये है कि इसका इसका इंजन इसका यूनिक है ना, चाहिए वो ज्यादातर 2 लीटर नहीं है, 740 ईज और एलईज 2 लीटर है। हाँ, उनमें वो वाले इंजन है ना 2 लीटर में, जो कि रेंजर वो 400 में आता है, वो इंजन है, तो ये 3 लीटर है, तो उसका आई मीन फॉर पीपल लाइक मी हु से देयर इज नो रिप्लेसमेंट टू डिस्प्लेसमेंट, उनके लिए गाड़ी है जी। अब ये देखे ना आपकी, ये 0-100 इज 5.4, सही है, विच इज नॉट बैड, 326 हॉर्स पावर है, सही है, 450 इसके टॉर्क है, तो आई मीन कहने का मकसद है कि उसको आपने फोकस करना है इंजन को। बाकी इसमें जो चीजें आपका सवाल था मेन यार, एक सबसे इम्पोर्टेंट, सॉरी आपकी बात फिर काट रहा हूँ, लोग मुझे मारेंगे, जलाना दें, नहीं नहीं होता, मेरे पास 2002 की 745 थी, उसमें पेडल शिफ्टर थे, इसमें नहीं, वही तो बता रहा हूँ आपको, बहुत सारी चीजें हैं, ये 16 साल बाद वाली में नहीं है जी, एम स्पोर्ट्स नहीं है ना, अच्छा उसमें आते हैं, उसमें भी आ जाते हैं नॉर्मल वेरिएंट, एफ टाइप नॉर्मल में भी थे दोनों, एफ मेरी नॉर्मल, मैं बता रहा हूँ, आ जाते हैं, ऑप्शन है, बट ऑप्शन है ना, और क्या मिस करते हैं, और मेनली तो आई थिंक लॉन्ग व्हील बेस की वजह से ना पीछे वाले पैसेंजर्स को उन्होंने फोकस किया होता है, उसमें एम्बियंट लाइटिंग और उसके अलावा कुछ नहीं है जी, नहीं है, रेयर क्लाइमेट कंट्रोल है, पिलर्स में भी एसी है, हाँ जी, तो लेकिन इसका सेंटर में टैब आता है और मसाजिंग सीट्स आती है इसमें, नहीं है ना, अच्छा नहीं है, नहीं है जी, जो चीजें नहीं है वो बता रहा हूँ मैं, हम ग्राउंड के रिव्यू में भूल गए थे, ग्राउंड के रिव्यू मैंने बाद में सोचा कि पीछे वाला जो आर्मरेस्ट है उसके अंदर भी सारे कंट्रोल है, कंट्रोल थे, वो हमने नहीं बताया ना, नहीं बताया, सॉरी बोले, सॉरी यार, सॉरी जी, मुझे किसी ने नीचे लिखा था, ये पहली बारी 2 जाहिल बैठ गए ग्राउंड में, मैं कहा तुसी पहले से ऐसे दूजे, नहीं सही है, अच्छा तो हम बात कर रहे हैं मिसिंग SGL, वो तो मैं अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक अनलिमिटेड ऑप्शन है, बट रियलिस्टिकली कोई चीज आपके यार ये तो होनी लाजमी थी, ये इन्होंने ना बोंगी मारी ना देख, मतलब मैंने अगर ये गाड़ी लेनी है तो मैं आपको बड़ा क्लियर बताता हूँ, मैं कहूँगा यार सबसे जो बड़ा टर्न ऑफ है वो इसमें मेरे लिए पेडल शिफ्टर्स का ना होना,
लेकिन वो सुनील भाई कितना को आप मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, खासतौर पर वही बात है जब आप गाड़ी मोटरवे पे हाईवे पे कहीं चला रहे होते हैं और इस तरह की गाड़ी चला रहे होते हैं तो फिर डाउन शिफ्ट इससे करने का बड़ा ही मजा आता है। हाँ वो तो है, खासतौर पर जब आप ये कलर कार और एरिया पे जब जा रहे थे ना तब आप इधर वो बस इतना टाइम नहीं होता। जब हेड अप डिस्प्ले भी कल मुझे कोई कह रहा था, मैं कहा भाई जब उसको आप यूज करना शुरू कर देंगे ना देन यू वोंट गेट टाइम आपके नीचे भी देख सको जी, तो उसका भी उस तरह ही है जी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यानी बाकी ठीक है? नहीं, मुझे पावर पैक आप कह रहे हैं पावर पूरी है बस ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो पीछे से मुझे उसका कमी बेशी लगती है, पीछे अगर मसाजिंग सीट्स होती, सेंट्रल कंसोल होता, उसमें कंट्रोल्स होते। अच्छा, मैं वैसे पिछली सीट के बारे में कभी फिक्रमंद नहीं रहा, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ इतनी महंगी गाड़ी लेके खुद चलानी चाहिए, लोगों ने ड्राइवर को दी होती, मतलब गाड़ी ले रहे हैं तो एंजॉय करें, फिर उसके लिए फिर आप इंजन को एंजॉय करें। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, उसके लिए ठीक है, सही कह रहे हैं। तो फिर अगर आपने पीछे वाली लग्जरी एंजॉय करनी है, ड्राइवर ने चलानी है, फिर एल ई लें, सुकून से बैठे, चार्जिंग एंजॉय करें, वो ड्राइवर चला रहे हैं आपको, सही सही सही। तो अच्छा, एक और चीज सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, आपने जो कहा है कि यार आप मिस करते हैं, इसमें BMW ने G11 में ना, इसमें इस वाली 7 सीरीज में इन्होंने डिस्प्ले की दे दी थी जिसमें काफी कंट्रोल्स थे, काफी कंट्रोल्स थे उसके ना, बट वो जो डिस्प्ले की थी वो ज्यादातर वो पार्किंग के अलावा वो आपकी चार्जिंग बैटरी और उसमें भी आती थी, i8 में भी थी जी, वो गाड़ी स्टार्ट स्टॉप करनी है, आपने लॉक करनी है, आप कहीं भी बैठे हैं आप कर सकते हैं, मतलब एक आप कह लें कि असल में नई चाबी थी, बिकॉज हमारे यहाँ पे लोग क्रूजर में कहते हैं नई चाबी अलग क्रूजर, मैं कहता की क्रूजर जो नई चाबी की हो काली सी हो, लेकिन उस चाबी का बहुत ज्यादा फर्क है, इसमें बड़ा फर्क है, सही कह रहे हैं, इसकी चाबी इन्होंने भी दी, मैं मिस करता हूँ। इसकी चाबी नॉर्मल है, इसकी चाबी बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी BMW X2 की थी, सेम वैसी। हाँ जी हाँ जी, खुद ही मैं एक दो बार लाई, लोगों ने कहा कि 7, मैं कहा काश गिरे और ये 7 बन जाए। तो ये चाबी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्रूजर की चाबी तो लोगों ने फैशन में नहीं ना, नई चाबी पुरानी चाबी उसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें बाकी फर्क है जी, सही सही सही। इसमें जो व्हील्स हैं कितने इंच के हैं? ये 20 इंच के लगेंगे, इतने आना इतने रख, ये जो 20 इंच और 21 इंच है ना, ये माशाल्लाह लाहौर की सड़कों पे जब ये खड्डे में जाते हैं ना, तो फिर ये बताते हैं या तो इनको घोड़े निकल आते हैं बिल्कुल, और उसके बाद आपकी जेब को निकल आते हैं, आपकी जेब में सुराख हो जाता है बिल्कुल। अब यानी कि आज के दौर में विदाउट वारंटी इट्स लाइक हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, 6 साल पुरानी होगी, 6 साल हो गई, और ये तकरीबन 43 मिलियन के बजट में है जी बिल्कुल। और अगर किसी यूजर ने और 43 मिलियन मिलना हो तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन आती है? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप 43 मिलियन में इसका कंपैरिजन अगर आप इसी क्लास में जाएंगे, हम क्लास को छोड़ते हैं, बजट से चलते हैं, 43 मिलियन में क्या क्या आता है? ये तो आपकी इलेक्ट्रिक आ जाएंगी, ईट्रॉन जीटीज आ गई, शायद आपके पास वो भी आना शुरू हो जाएगी, टाइकन आ गई, और टाइकन आ जाएगी, फ्यूल में कौन सी में जाएंगे, लेकिन उसका कंपैरिजन इससे बनता नहीं ना, इसका बनता मैं सिर्फ बजट वाइज देख रहा हूँ, अगर किसी जेब में पैसे है ना तो वो पाकिस्तान में कोई बंदा भी इलेक्ट्रिक गाड़ी इलेक्ट्रिक की वजह से नहीं चला रहा जी, बजट की वजह से चला रहा। जो हमने क्राउन का रिव्यू किया था वो भी आ जाएगी, आ जाएगी ईट्रॉन जीटी में, मर्सिडीज में अगर हम जाएंगे तो क्या आएगा? यही 2015-16 की अगर इस माइलेज में लेंगे एस क्लास आएगी, या फिर ई क्लास आ जाएगी, नई वाली, नई वाली ई क्लास अगर आप यूज लेंगे तो वो अराउंड आई थिंक 325 की मिल जाएगी जी। अगर ब्रांड न्यू है तो वो शाहनवाज आई थिंक 4 से ऊपर, मैं कह रहा हूं अगर नई लेनी है तो 4 से ऊपर आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है जी। तो ये मैं बेसिकली यूजर्स के लिए कंपैरिजन प्राइस वाइज बता रहा हूँ जी। और अगर इंजन वाइज बताएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस इंजन साइज में कोई भी गाड़ी आ रही होगी, नहीं वही ना, यही मसला है। हाँ जी, ऐसे 15-16 की पैनामेरा भी आ सकती है इतने पैसों में, आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है वो, और वो उसके अंदर भी इंजन अच्छा होगा, वो इससे नीचे आ जाएगी काफी, 15-16 की जो पैनामेरा के कायन कह रहे हैं आप, पैनामेरा हाँ नहीं, टर्बो तो महंगी है जी, पैनामेरा मैंने पिछले दिनों एक देखी थी GTS और ये वो, तो वो जी, जी, उस जी, प्राइस बजट में वो भी आ जाएंगी और वो भी मतलब स्पीड के लिहाज से ठीक है। तो ये चंद ऑप्शन है जिनके अंदर ये मार्केट में भी स्टैंड कर रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बट अगेन जो कम्फर्ट लेवल इसकी रेयर सीट का वो पैनामेरा में कभी नहीं आ सकता, वो ड्राइवर सेंट्रिक कार होगी, ये जो है पैसेंजर सेंट्रिक कार, बिल्कुल ऐसे ही आप एग्जीक्यूटिव है बंदा बैठा है आराम से, पैनामेरा में तो आप आराम से नहीं बैठ सकते, उसके पीछे से ऐसी वो आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल सही सही सही। तीन ऐसी चीजें बताएंगे मैं गाड़ी खरीद लूं। देखिए मेन तो आपको इंजन का मैंने बताया ना कि ये गाड़ी यूनिक ही इसके इंजन की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये आया ही बहुत कम है, सही है ठीक है जी। और दूसरा ये कि यू नो इट सिग्निफाइज लग्जरी क्लास कंफर्ट, और थर्ड आ गया हाँ वो अटैच कि इतने पैसों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस लेवल की या इस लीक की गाड़ी नहीं आ सकती, बिल्कुल न्यूअर मॉडल्स में, सही है। सो ये तीन पॉइंट मेरा ख्याल है प्रीटी मच सम कर देते हैं इस गाड़ी के पॉजिटिव्स को, बिल्कुल।
ठीक है। सो व्यूअर्स ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी U7 सीरीज लेना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पे जाके U7 सीरीज लगाएं, अपनी मर्जी के ईयर का फिल्टर लगाएं, या गूगल पे जाके पार्क व्हील्स BMW लिख दें तो जितनी भी यूज्ड BMW है वो आपके सामने लिस्ट में आ जाएंगे। याद रहे अपनी गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी की इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कर लें। इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए चांद पे नहीं जाना पड़ेगा, मेरा इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको हमारे UN नंबर पे कॉल करनी है 0422119433357, या फिर आप जो है हमारी ऐप पे जाके भी इंस्पेक्शन कॉल कर सकते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदे मां के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।